आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत कल रखा जाएगा, यानी कि 31 मई को निर्जला एकादशी के दिन कुछ विशेष चीज़ों को खाने पीने की सख्त रूप से मनाही होती है और कुछ कार्य करने की बिल्कुल भी इसमें इजाज़त नहीं है। आइए इन बातों को जान लेते हैं। निर्जला एकादशी पर दूध दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत पुरुष और महिला दोनों ही रख सकते हैं। इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं होती है। इस दिन दूध व पानी पीना वर्जित होता है, क्योंकि दूध दही व शहद से सूर्योदय से पहले उठकर भगवान विष्णु जी को स्नान कराया जाता है। इसलिए इस दिन दूध दही व पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सबको पता ही होगा कि इस दिन चावल, बैंगन, मूली, सेब इत्यादि चीज़ों का सेवन भी नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। खास तौर से महिलाओं को इस व्रत के नियम में इसकी खास मनाही होती है। वैसे पुरुषों को भी इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, लेकिन महिलाओं को बिल्कुल भी इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता को छूना भी वर्जित है। इस दिन माता को बिल्कुल छूना नहीं चाहिए, ना उनके पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही उसमें जल अर्पित करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पीली जीरों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि श्री भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को पीली चीज़ें अत्यंत प्रिय होती हैं, इसलिए निर्जला एकादशी पर भगवान को प्रसन्न करने हेतु पीले फूल, पीले फल, अक्षत, पीले वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। इससे आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए पीली मिठाई का भी दान कर सकते हैं। और आपसे अब आज्ञा लेते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा सत्स्नेह नमस्कार।